अब मैं दावत दूंगा उस लीडर को जिसका ये ख्वाब था, विजन था, और आज वो पाया तकमील पर पहुंचा है। और आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे। करतारपुर की जान है आप। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच के लिए तशरीफ लाएंगे, और उससे पहले कुछ सोवेनियर्स हैं। फॉर्मली इनॉग्रेट कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान द हिस्टोरिक करतारपुर कॉरिडोर। वेलकम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुद्वारा। अब आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदो वैया कनस्ताइन। मैं सबसे पहले सिख बरादरी को गुरु नानक देव जी का 550 साल की सालगिरह की आप सबको मुबारक देता हूं, आपको खुशामदेद कहता हूं। आज मैं खास तौर पे आपको मुबारक देने के बाद जो हमारी हुकूमत जिसमें FWO सबसे आगे थी, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज जिन्होंने 10 महीने के अंदर ये सारा कॉम्प्लेक्स बनाया, सड़क बनाई, पुल बनाया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी इफिशेंट है। इसका मतलब हम और काम भी कर सकते हैं, कि अगर 10 महीने में इतना ज्यादा कर सकते हैं तो मैं फिर से जिस तरह की आपने मेहनत की, दिन रात आपने लगाया, और ये कॉम्प्लेक्स, इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स जो आपने तैयार किया, सिर्फ मुबारक ही नहीं, खराज तहसीन नहीं, दिल से आपके लिए दुआएं हैं कि आपने इतने लोगों को इतनी खुशियां दी। मुझे खुशी होती है देख के जिस तरह सिख कम्युनिटी, जो उनके दिलों में खुशी होती है जब ये यहां आते। नवजोत सिद्धू ने जो दिल से आज शेर व शायरी की, दिल से की, दिल में अल्लाह बसता है। आप किसी को भी जब खुशी देते हैं आप अल्लाह को खुश करते हैं। हम कहते हैं, हम मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, सारे इंसानों का खुदा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लाने वाले, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जो भी अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में आए वो सिर्फ दो पैगाम लेके आए, एक इंसानियत का और दूसरा इंसाफ का। ये दो चीजें इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से फर्क करती है। जानवरों के माशरों में ना इंसाफ होता है ना इंसानियत होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसानियत नहीं होती। जो ताकतवर वो बच जाता है, जो कमजोर वो मर जाता है। और इंसाफ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर जो मर्जी कर ले, कमजोर के हुकूक नहीं होते जानवरों में। तो जो भी अल्लाह के पैगंबर आए उन सारों ने इन दो चीजों की बातें की, इंसाफ और इंसानियत।
गुरु नानक देव जी, जो भी सिख बरादरी के अलावा इनका फलसफा पढ़ता है तो ये दो चीजें सामने आती हैं। इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, इंसानों को तकसीम करने की नहीं बात करते, नफरतें फैलानों की बात नहीं करते। इसलिए लोग वो सारे जो अल्लाह के करीब थे सब उन सब से इंसान प्यार करते हैं। या हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में पाकिस्तान में आप चले जाएं, वो लोग जो इंसानियत के लिए आए थे, बड़े बड़े सूफी, बाबा फरीद गंजशकर, निजामुद्दीन औलिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी लोग उनके मज़ारों पे जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। और वही चीज आप सब में मैं देखता हूं, जो आपके दिल में अकीदा है गुरु नानक देव जी का, मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। आप यकीन करें, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला है। और हम मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को यह बताता हूं कि यह ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। यह दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के, जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपको मौका मिला यहां आने का। और मैं फिर से इसलिए अपनी गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने मेहनत की इसको कामयाब करने के लिए। अब दो और चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि जो लीडर होता है, अल्लाह के सारे पैगंबर लीडर थे, लीडर हमेशा इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता, नफरतें नहीं फैलाता, नफरतें फैला के वोट नहीं लेता, वो लीडर नहीं होता। नेल्सन मंडेला, जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा हमेशा वो नेल्सन मंडेला को दुआएं देंगे, क्योंकि उसने इंसानों को इकट्ठा किया। अपार्टहाइड के अंदर इंसानों को तकसीम किया हुआ था, गोरे एक तरफ, हबशी एक तरफ, एशियन एक तरफ, तकसीम थे इंसान। कोई ये नहीं समझता था कि साउथ अफ्रीका में कभी भी अमन होगा, कभी भी इंसाफ मिलेगा, कोई नहीं समझता था। और सब समझते थे कि एक दिन खून होगा। लेकिन एक लीडर 27 साल जेल में गुजारता है, माफ कर देता है जालिमों को और साउथ अफ्रीका को खून से बचा लेता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर से कहता हूं, रहमतुल आलमीन थे, उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया, नफरतें नहीं फैलाई, इंसानियत की बात की। और जो भी उसके बाद जो सूफी हजरात आए, सब ने इंसानियत की बात की। हमारे दीन में लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल ऐसे है कि दुनिया में आपने सबको कत्ल कर दिया। तो मैं जब नवजोत सिद्धू, जब आपने मुझे कहा कि बॉर्डर खोल दो, मैंने तो जब जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने नरेंद्र मोदी से पहली बात की कि सबसे बड़ा मसला हमारे बर्रा सगीर में गुर्बत है,
اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، تجارت شروع ہو جائے، بارڈر کھل جائیں، ٹریڈ ہو، ہمیں بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ، خوشحالی آ سکتی ہے۔ صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا، اور وہ ہم ایک ہمسایوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج مجھے منموہن سنگھ ملے۔ منموہن سنگھ، میں ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا ہوا تھا، کانفرنس پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے، صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے۔ یہی میں نے نریندر مودی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے، یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو، 80 لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو 9 لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے، یہ زمین کا ایشو نہیں ہے اس وقت، یہ انسانیت کا ایشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے، زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے۔ کبھی اس طرح امن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، انصاف سے امن ہوتا ہے، نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو آزاد کر دیں، ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ ہمارے جس طرح نوجوت سدھو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے، تجارت شروع ہو جائے، سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی، اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کا، آپ کے ساتھ یہاں آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا۔ یہ جو پہلی دفعہ کشمیر، ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں آ کے، ان کے لیے ان کا مدینہ، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے، آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے، انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن، ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں، جو نفرتیں 70 سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میں رہا ہے، میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے، لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو، تجارت کرتے ہیں، بارڈر کھلے ہیں، خوشحالی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا، کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے، انشاءاللہ یہ برے صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی، اس طرح یہ ہمارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔